हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के 55th मैच की, जो कि खेला जाने वाला है होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको साई राम क्रिकेट प्रेडिक्शन का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिनके पास आपको मैच टॉस की सबसे बढ़िया रिपोर्ट मिलेगी। आपको एक्यूरेट मैच और टीम देंगे या आपको लाइफ टाइम लॉस कवर करके दे देंगे। तो जाइए जल्दी से इन्हें मैसेज कीजिए, इन्हें मैसेज करने पर आपको ग्रैंड फायदा ही होगा और पहले मैच में आपको फ्री डेमो भी दिया जाएगा। तो भाइयों, पहले बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की। मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम जाहिर सी बात है अब यहाँ से क्वालिफाई तो नहीं कर सकती, पर अपने कैंपेन को एक अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेंगे, एक जीत के साथ खत्म करना चाहेंगे। पॉइंट्स टोल में इस समय ये सबसे नीचे है, अगर ये मुकाबला जीतते भी है तब भी ये सबसे नीचे ही रहने वाले है। वैसे इस सीजन उन्होंने अपना पहला मुकाबला काफी शानदार तरीके से जीता था, काफी आसानी से जीते थे, तो मुझे लगा था इस सीजन ये टीम अच्छा कर सकती है, पर नहीं, इस साल भी इनका कैंपेन काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। पिछले साल की ही तरह इस साल भी इन्होंने सबसे नीचे ही पॉइंट्स टोल में फिनिश किया है। की प्लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, तो आप सभी टीमों के जान ही चुके होंगे। इस मैच में अगर मुझे लग रहा है मेलबर्न रेनेगेड्स को मुकाबला जीतना है तो एरन फिंच को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे लग भी रहा है कि इस मैच में एरन फिंच को जबरदस्त पारी खेलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इनके अपोनेंट्स होबार्ट हरिकेन्स की बात की जाए तो इनके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। अगर ये मुकाबला यहाँ पे जीत गए, इस मुकाबले में अगर जीत मिलती है तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे, पर अगर ये मुकाबला कहीं हार गए तो फिर इनका भी कैंपेन खत्म हो जाएगा। होबार्ट की सीजन के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले साल भी इन्होंने लगभग इसी स्पॉट पर क्वालिफाई किया था, इस साल भी उसी हालत में है। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इनकी टीम बहुत ज्यादा बेहतर है, कई सारे ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे खिलाड़ी इस साल इनकी टीम में है, पर फिर भी परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और मेरे ख्याल से इनकी टीम में कैपेबिलिटी थी कि वो इससे ज्यादा हमें बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते थे, वो इससे भी ऊपर फिनिश कर सकते थे। तो खैर, अब मेरे इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम की बात की जाए तो कैप्टन मैंने बनाया है एरन फिंच को, वाइस कैप्टन मैंने मैथ्यू वेड को बनाया है। आप चाहे तो सैम हार्पर भी आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर बहुत बढ़िया ऑप्शन होंगे। और एक और चीज, होबार्ट हरिकेन्स की टीम की तरफ से इस मैच में टीम पेन भी अवेलेबल होंगे, वो भी इस मैच में टीम का हिस्सा होंगे। ये मैच क्लेचन वाला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG में। यहाँ पे पहले दो पिच की बात की जाए तो जनरली उतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच हमें देखने को नहीं मिलती है, पर पिछले मैच में काफी ज्यादा हमें बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिली थी, हाई स्कोर मुकाबला रहा था। तो इस मैच में भी मेरे ख्याल से ज्यादा कंडीशंस में बदलाव नहीं होगा, इस मैच में भी हमें बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी और 170-180 के आसपास का यहाँ पे कोई भी टारगेट अच्छा टारगेट होगा। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है मेलबर्न रेनेगेड्स इस मैच को जीतेंगे, ये क्वालिफाई नहीं कर सकते, पर मेरे ख्याल से ये होबार्ट को भी क्वालिफाई नहीं करने देंगे और इस मैच को अपने नाम करेंगे और अपने कैंपेन को एक अच्छे नोट पर खत्म करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। और हाँ, ओम साई राम क्रिकेट प्रेडिक्शन को भी जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।